हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क का कैसा अपडेट चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हम बीकानेर ईस्ट लाइन पे हैं और ये रानी बाज़ार पाउनपुरी का एक लेवल क्रॉसिंग गेट है, जो शीघ्र ही इस पर भी अंडर पास करने वाला है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल इम्प्लांट किए जा रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल हैं जो यहाँ पर इम्प्लांट किए जा रहे हैं, और ऐसा मानना है कि 6 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर ये इलेक्ट्रिक पोल को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग मशीन आती है जो एक दिन में एक के बाद एक कंसीक्वेंट लगा देती है मशीन। तो देखिए कार्य की शैली को मेरे साथ, मैं आपका दोस्त राकेश हूँ। ये सारी सीमेंट घोलने के लिए सीमेंट की ग्रिट, ये सारी मशीनें, ये रेलवे के कर्मठ कार्यकर्ता, और इन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया है खंभे के लिए, दूसरा फाउंडेशन आज बनके तैयार होगा। भाई लोग काफ़ी सुबह से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी गहराई इसकी देखी है आप, एक हाइट है 6 फुट के करीब खड्डा खोदा जाता है और इसके अंदर ये फाउंडेशन लेड किया जाएगा। और ये है बीकानेर ईस्ट का लेवल क्रॉसिंग गेट, जहाँ पर की प्लांट लग रहा है। आज ऑन साइट पे हम बात करते हैं रेलवे के कर्मठ कार्यकर्ता। सर आपका नाम बताएं। मोहम्मद सोहेब आलम। अच्छा सोहेब आलम जी, ये बताएं आप क्या कर रहे हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेस है इसका? ये बिजली की फाउंडेशन हो रही है। अच्छा जी, तो अभी जैसे आपने ये फाउंडेशन का ये बनाया है, तो इसमें कितना गहरा खड्डा खोदते हो? 2.40 मीटर मतलब खड्डा खोदा जाता है। अच्छा 2.40। अच्छा जी, और इसके बाद फिर सीमेंट में क्या क्या मिलाते हो आप? ये सीमेंट और बालू और बजरी मिलाया जाता है, उसके बाद मिक्सर मशीन में डाला जाता है। अच्छा जी, उसे मिक्सिंग करने के बाद इसमें डाला जाता है। इसके अंदर ये मिक्सिंग की ये मशीन है ना, इससे आप मिक्सिंग होती है। अच्छा, तो ये आज कब तक बन जाएगा दूसरा पोल? ये दूसरा पोल तो भी बन जाएगा। अच्छा, उधर से जोधपुर से। अच्छा, आप जोधपुर से चले आ रहे हो लगातार बीकानेर की तरफ बढ़ रहे हो ना? हाँ सही, अच्छी बात है सर। तो क्या कब तक संभावना आप सोचते हो कि रेलवे का पोल लग जाएंगे? अंदाज से 4 महीना लग जाएगा। 4-5 महीना, ठीक है साहब। मोहम्मद मोहम्मद सोहेब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। मैं बीकानेर से आपका दोस्त राकेश शर्मा। आप सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक बार सबको बधाई भाई, थैंक यू है ना भाई। दोस्तों जैसे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। रेलवे की विद्युतीकरण योजना के तहत रेवाड़ी और चूरू के बाद अब चूरू से रतनगढ़ का इंस्पेक्शन हुआ था। आज रतनगढ़ से लेकर सरदार शहर तक का एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लाइन का जो था वो पूरा हो गया है, और उसको देखने के लिए आज रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का निरीक्षण करने CRS रेल सुरक्षा आयुक्त श्री RK शर्मा आज रतनगढ़ से लेकर सरदार शहर वाला, उसके बाद ये बीकानेर की तरफ बेनीसर तक भी आए। सरदार शहर रतनगढ़ बिजली ट्रैक को इन्होंने CRS महोदय ने आज पूरी तरह निरीक्षण किया और फाइनली ट्रैक को ओके का प्रमाण पत्र दिया, और CRS ने इलेक्ट्रिक लाइन का भी निरीक्षण किया। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाते भी देखा। सरदार शहर से रतनगढ़ बिजली लाइन ट्रैक का शनिवार को CRS RK शर्मा जी ने निरीक्षण किया। ट्रैक पर 1:23 दोपहर को 110 किलोमीटर की रफ्तार से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाकर स्पीड ट्रायल किया गया, और ट्रेन में रतनगढ़ ये ट्रेन 14:10 यानी 2:10 पर पहुंची दोपहर में, और उसके बाद उन्होंने इसको इंस्पेक्शन करके लाइन को ओके दिया। इससे पूर्व CRS श्री RK शर्मा जी ने बीकानेर के DRM श्री राजीव श्रीवास्तव और स्पेशल ट्रेन से 12:05 पर सरदार शहर पहुंचे थे, और आए हुए अधिकारियों ने पूरे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके पश्चात स्पेशल ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर सरदार शहर से रतनगढ़ के 46 किलोमीटर ट्रैक का ट्रायल किया। सरदार शहर रतनगढ़ ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया था, इसका बहुत बड़ा तोहफा इनको सरदार शहरवासियों को मिला है। DRM श्री राजीव श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरदार शहर रतनगढ़ ट्रैक विद्युतीकरण किया जाना एक बहुत बड़ा तोहफा है, इससे हर क्षेत्र में आगे विस्तार किए जाने की संभावना भी शुरू हो जाएगी। आज CRS के निरीक्षण पर 27 तारीख को निरीक्षण पर इलेक्ट्रिक ट्रैक को ओके किया जाना बड़ा ही तोहफा साबित हुआ है। शीघ्र ही यहाँ 3 वक्त आने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन आएंगी और लोगों को समय की बचत होगी, साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा का भी लाभ भी उनको मिलेगा। क्षेत्र में लोगों की लंबे समय से हनुमानगढ़ तक लाइन बढ़ाने की मांग चल रही थी, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
जनता की स्पेशल मांग को देखते हुए रेल के उच्च प्रबंधन तक इसे बात को पहुंचाया गया था। सीआरएस श्री आर के शर्मा जी ने डीआरएम श्री राजीव श्रीवास्तव ने सरदार शहर पहुंचने पर वरिष्ठ मंडल परिचालक श्री जयप्रकाश डीटीओ बीकानेर मनोज कुमार शर्मा हीरालाल कंटेवाला टीआई सुखविंदर सिंह स्टेशन अधीक्षक मोहनलाल सैनी सभी लोगों ने इनकी अगवानी करी। सीआर आपको बता दें कि दिल्ली से होते हुए अप टू सादुलपुर से चूरू एवं सादुलपुर से गोगा मेणी तक सीआरएस सरकार निरीक्षण गत वर्ष हो चुका है। लॉकडाउन के कारण विद्युतीकरण का काम करीब एक वर्ष देरी से हुआ था। पिछले 3-4 माह से लेबर के आने में थोड़ा आने से कार्य में गति पकड़ी और काम पूरा किया गया। इसके प्रथम चरण में फाउंडेशन तैयार किए गए, वहीं दूसरे चरण में पोल लगाए गए। इसके बाद तीसरे चरण में लाइनें डाली गई और बाद में उनकी फिनिशिंग का काम किया गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमंडल मुंबई के कार्यालय से जारी शेड्यूल के मुताबिक रेलवे सुरक्षा आयुक्त श्री आर के शर्मा 24 नवंबर को मुंबई से रवाना होकर 25 नवंबर को जयपुर पहुंचे थे और 26 नवंबर को चूरू पहुंचकर एक घंटे के निरीक्षण के बाद नोहर हनुमानगढ़ इलेक्ट्रिक ट्रेन का निरीक्षण किया था। 27 नवंबर को चूरू तनगढ़ इलेक्ट्रिक का निरीक्षण किया और 28 नवंबर को सीआरएस जयपुर पहुंचकर मुंबई के लिए प्रस्थान किया। और इसी क्रम के अंदर आज इन्होंने इतवार को 27 तारीख को सरदार शहर और रतनगढ़ से बेनी सर तक का भी इंस्पेक्शन किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी मिली तो 4 घंटे में ही सारा सफ़र पूरा हो जाएगा। 5 घंटे की यात्रा 4 घंटे में पूरी होगी। 2018 में शुरू हुआ था बिजली लाइन प्रोजेक्ट। अक्टूबर 2018 में हैदराबाद की PMPL कंपनी से एग्रीमेंट हुआ था। प्रोजेक्ट की लागत 391 करोड़ रुपये कम्प्लीट रेवाड़ी सादुलपुर चूरू विद्युतीकरण लाइन के लिए मापी गई थी। अब चूरू रतनगढ़ नोहर से हनुमानगढ़ लाइन का काम पूरा हो गया है। रतनगढ़ रेवाड़ी के करीब 243 रतनगढ़ से रेवाड़ी 243 किलोमीटर मार्च 2022 में कंप्लीट होने वाले स्टेशन हैं। रतनगढ़ से सरदार शहर, रतनगढ़ से बीकानेर, चूरू से रतनगढ़। सीआरएस की रिपोर्ट ओके मिलने के बाद रतनगढ़ से रेवाड़ी तक 243 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक लाइन का ट्रैक संचालन कर सकता है। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो समय कम लगेगा, अभी रतनगढ़ से रेवाड़ी का सफ़र कभी 5 घंटे में होता है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होने से यह सफ़र 4 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। बिजली लाइन की ट्रेन चलने से इस ट्रैक में नई ट्रेनों का संचालन भी बढ़ेगा। कई ट्रेनों का विस्तार, ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा रतनगढ़ ट्रेन के रूप में मिल सकता है। रेवाड़ी से दिल्ली के बीच ट्रैक पर काफ़ी लंबे समय से इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ रही हैं। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के रतनगढ़ तक विस्तार से दिल्ली के बीच तेज़ रफ्तार ट्रेनों की शुरुआत हो सकेगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आरओबी की उन्होंने सीआरएस ने जांच करी। तो दोस्तों, ये तो था इलेक्ट्रिफिकेशन का लेटेस्ट अपडेट आज 27 मार्च का। और इसके साथ ही हम आज एक और नया वीडियो आपको नेक्स्ट जो हमारा दिखा रहे हैं उसका थोड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं। सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि कब से लीलैन ब्लैंकेट बेडशीट मिलेंगी, तो वह उसके लिए हमने अपडेट लाए हैं और बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव जो बात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखना ना भूलिए मेरा नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ब्लैंकेट लीलैन और बेडशीट के बारे में कब से मिलने चालू होगी। बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों और अपना कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। ये बीकानेर की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री है जो NWR की अपनी ओन है, अपनी खुद की है। और यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से युद्ध स्तर पे काम चल रहा है क्योंकि रेलवे ने बहुत ही एक सुविधा दी है यात्रियों को। नए ब्लैंकेट बेडशीट लीलैन और कर्टेन की सुविधा जो बहुत जल्दी साकार होने जा रही है।